हेलो एवरीवन, मैं संचिता शर्मा। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 4 चैप्टर 8 अ गर्ल विद अ डजन लेग्स। आई टॉट यू दिस इन योर ऑनलाइन क्लास, सो आई विल जस्ट रीड द चैप्टर एंड विल एक्सप्लेन यू वंस मोर। कैन एनीबॉडी चेंज देयर हाइट एज एंड व्हेन दे विश टू? Can you imagine someone being tall today and a little shorter tomorrow? The obvious answer is no. But Emmy Mullins can. She can walk around with heights varying between 5 feet 8 inches and 6 feet 1 inch. That sounds unbelievable, doesn't it? How is it possible for anyone to look taller or shorter whenever they wish to? Well, Emmy Mullins is a woman on prosthetic or artificial legs. She has 12 pairs of legs of varying heights, which she chooses to wear from on different occasions. Emmy had a painful childhood. She was born in 1975 with no shin bones. The doctors therefore had to amputate both her legs so that she would be able to walk later in life. Unfortunately, she had to undergo a number of surgeries at the age of 2, 5 and 8 and had to spend a long time in a hospital. Emmy grew up with artificial legs. Her mother, however, treated her as a self-sufficient person who did not require any special treatment. She was gradually able to learn how to move and run and even play various sports like football, softball, and go swimming, hiking, and skiing. When she was in high school, Emmy discovered her passion for athletics. Towards the end of high school, she participated in the Boston Track and Field Meet for the Disabled. On arriving in Boston, she was surprised to discover that she was the only athlete wearing wooden legs. Okay, now see. It's a biography of a girl, एमी मिलन्स। ओके, सो इस चैप्टर में ये दिया है कि जो एमी मिलन्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ये उसके बायोग्राफी है, ये उसका बायोग्राफी है, ठीक है। सो इसमें ये दिया हुआ है कि क्या आपको लगता है कि क्या आपका जो हाइट है वो कभी आप अपने मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हो? नहीं, लेकिन एमी मिलन्स कर सकती थी, है ना। कैसे? क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं थे, ठीक है, उसके दोनों पैर नहीं थे। और वो मतलब उसका क्या था, उसके दोनों पैर एम्प्यूटेट मतलब होता है काट के निकाल देना, ठीक है। तो उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया उसके दोनों पैरों को जब वो बहुत ही छोटी थी, ठीक है। तो यानी कि वो उसने क्या मतलब उसके नकली पैर ही उसे ना आर्टिफिशियल लेग्स, तो उसके आर्टिफिशियल लेग्स थे जिसका मतलब अलग अलग हाइट्स के लेग्स बनवा रखे थे उसने, जैसे 5 feet 8 inches, 6 feet 1 inch, मतलब बहुत अलग अलग हाइट के, ताकि वो हर काम को ईजिली कर सके। तो वो अपने अकॉर्डिंग वो अपने हाइट के आर्टिफिशियल लेग्स वो बना कर रखी थी। और उसके पास ऐसे 12 पेयर्स थे, अपने अलग अलग हाइट्स के 12 पेयर्स ऑफ लेग्स थे उसके पास, ठीक है, जो वो डिफरेंट ओकेजन्स में चूज़ करती थी वो पहनने के लिए, लगाने के लिए। एमी का जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही पेनफुल था। शी वॉज बॉर्न इन 1975, ठीक है, वो 1975 में उसका जन्म हुआ था विद नो शिन बोन्स। लेकिन उसके जो पैर में जो ये होते हैं ना, पैर सामने पैर का जो आपका बोन होता है, लेग के जो आपके सामने हिस्से का जो बोन होता है, उसके पैर में वो बोन नहीं था, ठीक है। इसलिए उसे क्या किया गया, तो डॉक्टर्स ने उसे काट के हटा दिया, एम्प्यूटेट कर दिया, दोनों पैरों में उनके शिन बोन्स नहीं थे। तो वो क्या हुआ कि वो मतलब चल नहीं पाती थी, तो उसने क्या किया, और बहुत सारे सर्जरीज वगैरह कराने पड़े थे जब वो 2 ईयर्स की थी, 5 ईयर्स की थी और 8 ईयर्स में, ठीक है। और वो बहुत ही दिन उनको हॉस्पिटल में उनका टाइम कटा है। और मतलब एमी जब छोटी थी तभी उनके साथ ऐसा हुआ, एंड जब वो बड़ी हुई, ठीक है, तो तब जाके जब वो बड़ी हुई तब वो आर्टिफिशियल लेग से ही वो बड़ी हुई है, यानी उन्होंने कभी वो चली ही नहीं पाई है। जब वो बचपन में थी उनका सर्जरीज हुआ, एंड देन उसके बाद उनका बचपन से वो बड़े तक उनका बचपन कैसे बीता, आर्टिफिशियल लेग्स में ही बीता है, ठीक है। जो भी हो, लेकिन उसकी मम्मी मतलब बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन थी,
मतलब कोई भी हु डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे और सबके बच्चे होते हैं, ठीक है। वो मतलब धीरे धीरे वो लर्न, यानी कि पढ़ाई वगैरह, चलना दौड़ना है ना, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब में पार्टिसिपेट, मतलब धीरे धीरे ये सब करना शुरू किया उसने, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स में उन्हें सॉफ्ट बॉल, स्विमिंग, हाइकिंग, सिकिंग, स्कीइंग ये सब बहुत अच्छा लगता था उन्हें, तो वो स्पोर्ट्स के पार्ट में वो आगे बढ़ी। व्हेन शी वाज इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल गई तो वो मतलब उनका पैशन था एथलेटिक्स बनने का, मतलब स्पोर्ट्स में है ना, एथलेटिक्स बनने का। और जब वो एंड, जब उनका हाई स्कूल ख़त्म हो गया, उन्होंने बॉस्टन ट्रैक, ये एथलेटिक्स मतलब ये स्पोर्ट्स का ही है बॉस्टन ट्रैक, ठीक है, वो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि वो डिजेबल पर्सन्स के लिए ही था। वो नॉर्मल जैसे जिनके डिसेबल मतलब होता है जिसके हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, है ना, उन डिसेबल, उन्हें डिसेबल कहते हैं। तो उन्होंने भी उसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ऑन अराइविंग इन बॉस्टन शी वॉज सरप्राइज टू डिस्कवर दैट शी वॉज द ओनली एथलेट वेयरिंग वुडन लेग्स, ठीक है। और जब वो मतलब वहाँ पे वो एंड मतलब जब वो वहाँ गई बॉब अपने स्पोर्ट्स के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक वही एक मतलब सिंगल ऐसी थी जिनका मतलब जो आर्टिफिशियल लेग्स था उनके पास, है ना, सिर्फ एक वही एक एथलीट थे जिन्होंने वुडन लेग्स पहना हुआ था। द रेस्ट एथलीट हैड मेटल शॉक एब्जॉर्बेंट लेग दैट शी डिडंट इवन नो, और बाकी एथलीट्स का क्या था, मेटल शॉक एब्जॉर्बेंट मेटल का था, ठीक है। और वो होता है शॉक एब्जॉर्बेंट, मतलब होता है कि जो पहन के और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है, वैसा था, जिसके बारे में एमी जानती भी नहीं थी। Not to mention that all the other athletes had at least one normal leg. This fact did not shake her determination. Instead, it made her push herself harder to succeed. और जब वहाँ देखी तो मतलब सबका एक पैर नॉर्मल था, लेकिन एमी का दोनों ही पैर क्या था, दोनों ही पैर उसका एम्प्यूटेट कर दिया गया था, दोनों ही उनका आर्टिफिशियल लेग्स था, लेकिन ये देख कर उनका जो डिटर्मिनेशन था अंदर से वो कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, और वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। एंड सक्सेस डिड, और वो जीती, वो सक्सेस हासिल किया उन्होंने, ठीक है। शी नॉट ओनली वॉन, शी ऑल्सो ब्रोक अ नेशनल रिकॉर्ड इन डूइंग सो। शी डिसाइडेड टू एंटर द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन नेक्स्ट, एंड इवन द डबल इन प्यूट्स वेयर टेक्निकली नॉट सपोज्ड टू एंटर, अ रियल ईयर लेटर शी ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड के लिए वो जब लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन में जब उन्होंने पार्ट लिया, तो उसमें क्या था कि जो डबल एम्प्यूटेट यानी जिसका जिनका दोनों ही पैर नहीं है वो अलाउ थे ही नहीं, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि उन्होंने इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, है ना। नॉट लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स अ प्रोस्थेटिक्स डिजाइनर मेड एमी अ पेयर ऑफ स्पेशल स्प्रिंटिंग लेग्स दैट वर फार बेटर देन हर वुडन लेग्स। और फिर आफ्टरवर्ड्स, और आगे चल के क्या हुआ कि एक जो प्रोस्थेटिक्स डिजाइनर होता है जो आर्टिफिशियल पैर बनाते हैं, तो जो आर्टिफिशियल लेग्स बनाते हैं उन्होंने क्या किया कि वो स्पेशल बहुत ही स्पेशल सा बना दिया था उनके लिए, जो और भी कंफर्टेबल हो गया था, जो वुडन लेग से और ज़्यादा कंफर्टेबल था। यूजिंग अ न्यू लेग शी गेव एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एट द 1996 पैरालंपिक्स इन अटलांटा यूएसए। और न्यू लेग्स जब उनका बन गया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, और भी अच्छा परफॉर्मेंस किया 1996 में पैरालंपिक्स में, जो अटलांटा यूएसए में था। इन 2000 पैरालंपिक्स इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया शी सेट ऑफिशियल वर्ल्ड पैरालंपिक लेग एम्प्यूट रिकॉर्ड इन 100 meters, 200 meters इन लॉन्ग जंप। तो इन सब चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और उन्हें सक्सेस भी मिला। एमी वॉज नॉट हैप्पी विद द वे प्रोस्थेटिक लेग्स वे डिज़ाइन, ठीक है। और वो खुश नहीं थी, मतलब जो उसका लेग्स था उसके डिज़ाइन से खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक ही जैसा सब दिखता था। शी इनवाइटेड इनोवेटर्स टू कंबाइन साइंस एंड आर्ट डिज़ाइन अनकन्वेंशनल प्रोस्थेटिक लेग्स। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कुछ जो इन्वेंटर्स होते हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके साइंस और आर्ट दोनों को मिला के उन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया प्रोस्थेटिक लेग्स का। एंड शी वॉज सून वेयरिंग चिता लेग्स। उन्होंने फिर वो मतलब जो उनका आर्टिफिशियल लेग्स था उसमें क्या क्या डिज़ाइन दिया, चीता का लेग्स, हैंडक्राफ्टेड वुडन लेग्स, जेली फिश लेग्स, ये सब उन्होंने डिज़ाइन किया, ठीक है, और बहुत सारे। शी नाउ बिगन गेटिंग इन्विटेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
सोल, सो टॉक अबाउट हर लाइफ स्टोरी एंड डिजाइन हर लाइक। और फिर उनके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्हें बहुत बाहर से भी इन्हें बुलावा आता है कि ये अपने बारे में बताएं, अपने बायोग्राफी बताएं, अपने डिजाइनर लेग्स के बारे में बताएं। द फैशन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री टुक नोट ऑफ एमिस टैलेंट एंड ब्यूटी अनाउंस्ड हर टू मॉडल फॉर और एंड्रॉस ब्यूटी प्रोडक्ट। टुडे शी इज अ ग्लोबल मॉडल फॉर अ लीडिंग ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, और बाहर में आउट ऑफ इंडिया आपका ये है इनका बहुत ही, शी इज़ अ ग्लोबल मॉडल, जो ब्रांड होते हैं कॉस्मेटिक्स के उसकी ये, शी इज़ अ एम्बेसडर ऑफ दैट। व्हाइल शी वाज मॉडलिंग शी फाउंड हर न्यू पैशन एक्टिंग इन 2002। और जब वो मॉडलिंग करती थी फिर उनके अंदर एक नया पैशन आया एक्टिंग का। 2002 में शी मेड हर एक्टिंग डेब्यू एंड प्लेड 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उनका 2002 में डेब्यू हुआ था, मतलब डेब्यू मतलब पहला जो होता है, सबसे पहला एक्टिंग, तो उनका डेब्यू था जिसमें उन्होंने 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रखे थे। सिंस देन शी हैज़ एक्टेड इन मेनी मूवीज एंड टेलीविजन सीरियल्स, यानी मूवीज एंड सीरियल्स भी कर रखा है इन्होंने। हर मिशन इन लाइफ इज टू हेल्प डिसेबल्ड पीपल ट्रेन एंड एक्सेलेंस पुश विद दिस व्यू शी फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन होप हेल्पिंग अदर्स परफॉर्म विद एक्सेलेंस। और उनका ये मिशन रहा कि जो जितने भी डिजेबल पर्सन है वो उनकी मदद करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी स्पोर्ट्स में, और इसी के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी रखा होप करके। ठीक है, सो दिस वॉज द बायोग्राफी ऑफ एमी मिलन। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड योर बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क यू विल बी गेटिंग इन द पीडीएफ फॉर्म इट्स कंप्लीट योर वर्क। टेक केयर।